हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में आपको मैं MGKVP मिस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का फुल डेमो मिस कर सकते हो फुल काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगा आपको, मतलब पूरा डेमो मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पूरा इन डिटेल में बताया, मतलब UG PG वाला सब देख सकते हो और काउंसलिंग कैसे कराते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें, सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, सारा जो भी आपके मन में डाउट होगा काउंसलिंग रिलेटेड तो आपको मैं पूरा हेल्प करूँगा। जैसे आपको मालूम होगा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है 11 मीन्स आज से 22 नवंबर तक रहेगा, मीन्स 13 तारीख से 22 नवंबर तक चालू है फर्स्ट कट ऑफ जो आया है उसके लिए। तो उसी का मैं बताऊंगा कैसे आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग का। सो दैट्स मैं आपको इस वीडियो में हेल्प करूँगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा नाम है शुभम एंड यू वॉचिंग नोशन ट्यूब। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस काउंसलिंग जो आपका होगा MGKVP का, मिस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, वो आपका वेबसाइट पे होगा, मिस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पे। सो आप लोगों को जस्ट सर्च करना है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मिस MGKVP, डायरेक्टली सर्च करो एंड देन देखो वो लोडिंग हो रहा है। तो गाइस जो सर्च करने के बाद आपका जो पहला वेबसाइट आएगा MGKVP.ac.in, ये मेन वेबसाइट है MGKVP का, तो आप लोग इस पर क्लिक कर दो। तो क्लिक करने के बाद आपका एक पोर्टल खुल जाएगा MGKVP का। तो गाइस वेबसाइट तो हमारा खुल गया, देख लो MGKVP का ऑनलाइन वेबसाइट है, ये ऑनलाइन वेबसाइट रहता है। तो ये तो आपको नीचे जाना है एकदम नहीं थोड़ा ही। तो पहला प्रोफाइल है एडमिशन, उसको आप लोग क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो अभी ओपन हो रहा है। तो क्लिक करने के बाद देखो आपका MGKVP का एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा, मीन्स प्रोफाइल खुल जाएगा। तो आपको देखो एडमिशन 2020-21 एंट्रेंस का जो काउंसलिंग होगा इसी पे होगा। तो आपको देखो दूसरा नंबर जो दिख रहा है एंट्रेंस रिजल्ट एंड अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यही हमारा है काउंसलिंग का मेन मतलब साइट, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एंड तो आप लोग इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। तो क्लिक करोगे तो आपको entrance.mgkvp.online पे डायरेक्टली आपको भेज देगा। तो अगर जैसे ही आपका खुलेगा वो देख लो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट जो आप लोगों ने देखा था इसी पे आप लोग अपना जाके देखे थे, एंड देन आपका जो कट ऑफ आया था इस पे ही आया था। ऐसे ही हमारा जो काउंसलिंग होगा इसी पे, जो तीसरा नंबर लिखा है क्लिक हियर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका एक लॉगिन और DO भी पूछेगा, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस देखो आपका खुल जाएगा, तो आपको ऐसे दिखेगा फॉर काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोग इस पर आप लोग अपना देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, मीन्स आप लोग एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे थे उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, तो आप लोग उसको डालना है यहाँ पर, एंड देन आपका आपका DOB डालना है, ठीक है। जैसे ही आप DOB और ये डाल के कंटिन्यू करोगे तो आपको एक ऐसा पोर्टल खुलेगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, पहले मैं आप मेरा बात सुन लो, ठीक है। तो गाइस जो आगे मैं जो भी बात बोलूँगा, मैं BA आप लोग कह सकते हो BSc एंड BCom एंड अदर कोर्सेज ऑफ UG और PG, ठीक है, सबके लिए मतलब अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आप लोग वो मत समझिए कि बस खाली BA और BCom के लिए, नहीं सबके लिए बताऊंगा, मतलब PG UG सबके लिए प्रोसेस सारा सेम ही रहता है। आपको क्या मतलब समझना है कि BA और BSc SM में जो है हमारा सब्जेक्ट लॉक करना पड़ता है, ठीक है, एंड BCom में डायरेक्टली खाली हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है, ओके। तो यही प्रोसेस से मतलब BCom को थोड़ा इजी रहेगा, आपको BA BCom BSc का थोड़ा हाँ मतलब प्रोसेस और उस पर सब्जेक्ट लॉक करना पड़ेगा, थोड़ा उसमें प्रोसेस थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट मैं आपको इस वीडियो में पूरा सिंप्लीफाई करूँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन ये सब कर दोगे आप लोग को एक पोर्टल खुल जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, मीन्स एक आपका डॉक्यूमेंट का पोर्टल खुल जाएगा, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो वही जो मैं आगे बोलूँगा वो मैंने इमेजेस लिए हैं अपने मतलब स्टूडेंट्स मेंटर से, मतलब इस किसी से, तो उनसे मैंने ले के आपको एक PDF तैयार किया, मतलब वैसे ही प्रोसेस रहेगा, आप लोग जाके ऐसे करोगे, बस आपको मैंने गाइडेंस दिया है, तो आप लोग जाके पूरा फुल्ली प्रैक्टिकली देख सकते हो, मैंने प्रैक्टिकली बताया बट आप लोग देखो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो वही जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लोगे तो आपको देखो, अगर आप लोग BA एंड BSc या कोई भी अदर कोर्सेज को मतलब BCom को छोड़ के, ठीक है, और कोई भी जो इसमें सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना पड़ता है, तो आपको अगर जिसमें सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है ऐसा प्रोसेस रहेगा।
आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखा रहेगा और प्रवेश परीक्षा का अनुक्रमांक जो भी आपका रहेगा, ठीक है, उसका स्टूडेंट का नेम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग का जो भी है, ओ ए बी सी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आप लोग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ए बी होता है और सी नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर नाम लिखा रहेगा और आपका अभिभावक का मोबाइल नंबर, समझे, यहाँ पर मोबाइल नंबर रहेगा, आप लोग मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हो, ओके, जो भी आपका रहेगा, मतलब पहले जो दिए थे उसके 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 जगह दूसरा कुछ भी नंबर दे सकते हो आप लोग, कर सकते हो। फिर आपके बाद उसके बाद एक मेन प्रोसेस आपका रहेगा, क्या आप रेगुलर सीट, मीन्स आपका जो कट ऑफ आया है, अगर आपको रेगुलर सीट पे आपको नहीं मिल पाया तो रेगुलर और पेड सीट के लिए अलग अलग प्रोसेस रहता है, मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपका मतलब रेगुलर सीट पर नहीं मिल पाया तो आपको पेड सीट में क्या आप लेना चाहेंगे, तो आपको यस या नो करना है, ठीक है। तो अगर मैं तो बोलूँगा आप लोग यस कर दीजिए, ताकि अगर आपको रेगुलर सीट पे नहीं मिले तो पेड सीट पे कम से कम मिल जाए, ओके, ज़्यादा फीस नहीं रहता है पेड सीट का भी, तो आप लोग देख लो एंड फर्दर जो भी रहेगा करवा लेना, ठीक है। तो उसके बाद देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो इसमें लिखा क्या है कि आपका जो भी आप फॉर्म भरोगे वो आप मतलब वापिस जाके चेंजेस नहीं होगा, मतलब चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, जो आप लोग ने अपलोड कर दिया उसको आप लोग बाद में चेंज नहीं करा सकते, ठीक है। आप लोग ध्यान से प्लीज़ यही बोलना, इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर्म ध्यान से एकदम पूरा इन डेप्थ में घुस के पढ़ना है फॉर्म को, नहीं तो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो प्लीज़ जो बोल रहा हूँ बात वो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो देखो यहाँ पर लिखा क्या, आप रेगुलर सीट पर नहीं मिले तो आप लोग पेड सीट पर लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग यस कर दीजिएगा, ठीक है। एंड क्या अगर आपको MGKVP का मेन कैंपस नहीं मिलेगा तो आप लोग गंगापुर परिसर में जा मतलब प्रवेश लेना चाहेंगे, तो आपका जो भी मतलब रहेगा आपका मतलब मेन मतलब जो आपको मतलब करवाना रहेगा गंगापुर में, तो यस कर दीजिएगा अगर मेन कैंपस नहीं मिला तो, नहीं तो नो कर दीजिएगा। हालांकि मेरे हिसाब से आप लोग नो कर दीजिएगा, क्योंकि गंगापुर कैंपस एकदम लो क्वालिटी है, ओके। तो उसके बाद आपको देखो पूछेगा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स, मीन्स आपका 10th प्लस 12th और अगर आप लोग PG के तो UG का रिजल्ट, ये सब पूछेगा। तो आप लोग को ये सब अपलोड करना पड़ेगा, मीन्स आपका नंबर, यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, ऑप्टेंट मार्क्स कितने में से कितना एंड डिवीज़न कितना है, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मीन्स अगर आपका 80 तक है तो 80 के ऊपर आपका फर्स्ट है, 80 के नीचे 260 है तो आपका सेकेंड है, 60 से नीचे है तो आप लोग सेकेंड थर्ड डिवीज़न पे आ रहे हो। तो ऐसे ही रहता है, कौन सा बोर्ड आपका है, मीन्स आपका CBSE है कि UP बोर्ड है कि SC बोर्ड है, तो आप लोग अपना देख के आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस जब भी आप लोग ये सेलेक्ट करोगे क्या रेगुलर सीट पर लेना, तो ऐसे ही कुछ रहेगा, ये आप लोग देख लो, तो ये आपको यस पे ऐसे क्लिक कर देना है, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, तो यस पे क्लिक कर देना एंड देन आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो यस पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग का मतलब मीन्स अगर आपको पेड सीट पे लेना तो यस कर देना, और गंगापुर में अगर आपको चाहिए तो यस भी उसके लिए भी कर देना, नहीं तो आपको बाद में को नहीं मिल पाएगा, अगर आपको मतलब इसमें नहीं मिला तो मेरे कैंपस में उसमें नहीं मिल पाएगा अगर आप लोग ना करोगे तो। फिर आगे आपका सब्जेक्ट है, अगर ये मैं BA का स्टूडेंट का किसी का दिखा रहा हूँ आप लोग समझ सकते हो, तो मैं ऐसे ही BCOM का दिखा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे कि BCOM में कैसा पूछता है, ओके। तो BCOM वाले अगर आप लोग लॉगिन करोगे तो आप लोग को देखो ऐसे पूछा जाएगा, ये सिर्फ लिखा है कि आप लोग अगर एक बार लॉगिन सब फॉर्म भर दोगे तो आपका बाद में चेंजेस नहीं होगा, तो आप लोग ये ध्यान से बनना, यही लिखा है इसमें, मैं इस BCOM का ही मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, लिखा रहेगा प्रवेश परीक्षा का अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है यहाँ लिखा रहेगा, एंड देन आपका जन्म डेट क्या है, मीन्स DOB क्या है ये, ओके। ऐसे आपको ब्लड ग्रुप अगर आपका AB कोई भी है तो लिख देना, अगर नहीं मालूम है तो नॉट नोन मतलब नहीं मालूम है ये कर देना। अभिभावक का नाम यहाँ लिखा है, फिर वही मोबाइल नंबर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। और एक आपको बात बोला, अगर आपका एडमिट कार्ड पे नेम गलत लिखा है तो यू कैन चेंज हियर, देखो यहाँ पर वापस चेंजेस का नाम लिख रहा है और मोबाइल नंबर का, तो आप लोग यहाँ से चेंज करवा सकते हैं, मीन्स एक बार अगर यहाँ पर कर दिए तो आपका चेंजेस हो जाएगा। अभी यही पूछा है कि क्या आप लोग रेगुलर सीट पर लेना चाहेंगे, तो
तो आप लोग यस कर देना, मतलब पेड सीट पर लेना चाहेंगे तो आप लोग यस कर देना। एंड आपको गंगापुर कैंपस भी चाहिए, मतलब मेन कैंपस में नहीं मिला तो तब भी आप लोग यस कर देना, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर ये नो करोगे, अगर बाद में गंगापुर चाहिए तो आपको नहीं मिल पाएगा, पहले बोल दे रहा हूँ। फिर आपको यही लिखा है सबमिट एंड प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, में यहाँ को सबमिट कर दो एंड प्रोसीड करो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड के, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड का मैं दिखा रहा हूँ, पहले आपको मैं सब्जेक्ट लॉक का दिखा दूँ, मीन्स बीएससी और बीए वाले का भी और एमएससी वाले का भी दिखा दूँ पहले क्या प्रोसेस है। तो गाइस देख लो, ये सब्जेक्ट मतलब आपको लॉक करना पड़ेगा जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा है कि मतलब अंग्रेजी, भूगोल, ये सब मतलब आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, ये सब मनोविज्ञान, इसके लिए आपको 1000 देना पड़ेगा हर साल, ओके। एंड भूगोल और गणित ये सब के लिए आपको 2924 रुपये आपको हर साल देना पड़ेगा, ये लिखा है। एंड देखो आपका डॉक्यूमेंट क्या करना है अपलोड, देखो डॉक्यूमेंट एक ग्रुप ए है एंड देन आपका ग्रुप बी है, तो आप लोग वो देख सकते हो। ग्रुप ए में आपको मतलब ऐड करना है ऐसे जिस पे ए मैं दिखा रहा हूँ, आपको ऐड पे क्लिक करना है तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही आप ग्रुप ए पे ऐड करने के लिए करेंगे तो आपको हिंदी मतलब ये बीए वाले का, अब बीएससी वाले का कुछ अलग दिखेगा, व्यवहारिक हिंदी अंग्रेजी ये सब पे आपको सारे सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, बट ठीक है। बट आपको जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लग रहा है, जो आपको सबसे पहले चाहिए, मतलब ये वाला सब्जेक्ट, लाइक अगर आपको हिस्ट्री चाहिए तो हिस्ट्री को सबसे पहले क्लिक करो, फिर उसके बाद ज्योग्राफी चाहिए तो ज्योग्राफी को दूसरे नंबर पर क्लिक करो। ऐसा नहीं कि उल्टा मतलब सीधा ऊपर नीचे अपलोड कर दोगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट मिलेगा तो आपके मतलब आपके मन के हिसाब से नहीं मिलेगा, समझिए कि नहीं। मीन्स मैं दिखा दे रहा हूँ, लाइक अगर आपको अंग्रेजी चाहिए पहले तो अंग्रेजी को पहले क्लिक करो, ठीक है। अंग्रेजी को पहले क्लिक करके आपको ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है, ग्रुप ए का मैं बोल रहा हूँ, ऐड पे क्लिक करना है। फिर आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी मतलब ये संस्कृत चाहिए तो संस्कृत को क्लिक करके फिर आपको ऐड करना है। ऐसे ही आपको सारा जितने भी सब्जेक्ट है सबको ऐड करना है, बट जो सबसे पहले आपको चाहिए उसको सबसे पहले मतलब ऐड करना है। ऐसे ही हमारा ग्रुप बी का है, ग्रुप बी में 4-5 सब्जेक्ट है, मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लो, समाजशास्त्र, राजनीति, निशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज कार्य, अर्थशास्त्र। लाइक अगर आपको मनोविज्ञान पहले चाहिए तो आप लोग पहले उसको क्लिक करो, फिर आपको ऐड कर देना है, फिर आपको अर्थशास्त्र क्लिक करना है, फिर उसको भी ऐड कर देना है। ऐसे आप लोग ऐड करके आप लोग अपना मतलब करा सकते हो काउंसलिंग, मतलब ये सब्जेक्ट लॉक। फिर अगर आपको जो सब्जेक्ट नहीं चाहिए उसको आप लोग यहाँ से रिमूव भी करा सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। वीडियो थोड़ा लंबा रहा तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करो और वीडियो को अच्छे से देखो, रिमूव कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको पूरा सब्जेक्ट रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव ऑल करवा सकते हो, ठीक है। एंड एक अगर आपको जो मेन सब्जेक्ट जो है आपको वो चाहिए ही चाहिए, लाइक अगर आपको जियोग्राफी चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला जो हरा वाला बटन, यहाँ पर कुछ एक बटन रहता है उसको आप क्लिक करोगे तो लाइक अगर जियोग्राफी आपको चाहिए तो उसको आप डॉट पे ऐसा रहेगा तो आप लोग उसको क्लिक कर देना एंड सबमिट कर देना, तो आपको जो है वो कन्फर्म मिलेगा ही। अगर आप कोई भी मतलब आप लोग मतलब और जो भी ये देखो यहाँ पर नीचे लिखा भी है, विषय का आवंटन मेरिट एवं सीट की उपलब्धता के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा चयनित विषय वैधता क्रम के अनुसार किया जाएगा, समझे कि नहीं। मीन्स आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट और जो हमारा कट ऑफ आया है उसके आधार पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ना कि ये कि नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। जितना आपको मार्क्स मिले वैसे ही आपको बेस्ट सब्जेक्ट्स मिलेगा, लाइक अगर सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, हिस्ट्री ये सब चाहिए तो आपको मार्क्स के हिसाब से मिलेगा, समझे कि नहीं। बीए और बीएससी के लिए, बाकी बीकॉम के लिए तो आपको एक ही बस आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये सब हो गया हमारे सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट अगर आपका हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा भी है सबमिट एंड प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैंने बीकॉम वाले का भी एंड किया था, यहाँ पर आपको बीए बीएससी वाले का भी एंड कर रहा हूँ। तो सबमिट एंड प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मतलब एक नोटिफिकेशन आएगा, मतलब एक नोट आएगा, वंस यू सबमिट दिस फॉर्म नो चेंजेस विल बी अलाउड टू फर्दर, मतलब अगर आप लोग ये आप लोग सबमिट कर दोगे तो आगे कभी भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। फिर आप लोग को पूछेगा आर यू श्योर, मतलब आप लोग कंफर्म करना चाह रहे हो ये सब, तो आप लोग ओके पे क्लिक कर देना। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही है और सब मतलब डॉक्यूमेंट नहीं नेम सब्जेक्ट सही है तो आप लोग ओके पे क्लिक कर देना, नहीं तो आप लोग कैंसिल करके वापस चेंजेस करा सकते हो। फिर इसके बाद ओके जैसे आप लोग क्लिक करें फिर वापस एक नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आपको मतलब जो सब्जेक्ट का है इसका भूगोल सबका 1000 लगेगा और इसका ये, तो अगर आप लोग एग्री तो इस पर क्लिक करके
यस कर देना, तो आपका डायरेक्टली अपलोड वाला सेक्शन खुल जाएगा। अगर आप लोग बीएससी बीए के तो ऐसा ऐसा बीकॉम के लिए भी ऐसा ही आएगा। लाइक अगर आप लोग कोई भी मतलब लाइक आप लोग जनरल कैटेगरी से, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। अभी फ़िलहाल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का ओनली सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको इनकम एंड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आप लोग ओबीसी तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और निवास ये सब सारा मांगेगा। जैसे जैसे आपका कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट लगेगा, लाइक अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से आ रहे, स्पोर्ट्स कोटा से आ रहे, तो वैसे नीचे नीचे बढ़ता जाएगा। अभी फ़िलहाल ये देखो जनरल के हैं तो शायद इनके में खाली, अभी फ़िलहाल ये जनरल के तो लाइक इसीलिए इनके में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट खाली मांगा है, मतलब ओरिजिनल। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करना पड़ेगा, मतलब लेटर लिख के आप लोग अगर हो सके तो प्रिंसिपल का साइन भी करवा देना अपने स्कूल का, तभी आपका मतलब वो आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो नहीं करोगे तो आप लोगों का काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगा। ओके, अगर आपको 12th का नहीं मिला है तो ये अपलोड कर देना है एंड देन आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट जैसे ही आप लोग करोगे ये सब आप लोग देख लो। अगर आप मैं बोलूँगा आपको इमेज नहीं पीडीएफ एक डायरेक्टली अच्छे से अपलोड कर दो। पीडीएफ बनाने नहीं आ रहा तो मैं पीडीएफ के लिए वीडियो बना दूँगा अगर आप लोग बोलोगे तो। 100 KB के कम रहेगा तभी आपको अपलोड हो पाएगा। देखो भाई, बहुत स्टूडेंट मेरे ऐसा पूछता है कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का, मतलब बहुत स्टूडेंट जो मतलब कोई और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या कोई एससी एसटी से हैं उनके लिए, तो ये देखो पीजी का कोई था तो उनके लिए देखो क्या पूछा था, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का। अगर आप लोग पीजी के हो तो अगर आपको मिला है, मिला नहीं तो एक लेटर लिख दो अंडरटेकिंग फॉर्म। इनकम सर्टिफिकेट और महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ के हो तो यहाँ पर यस करके आप लोग अपना जो भी है भर देना। ईडब्ल्यूएस का हो तो भर देना, फिर हमने सबमिट कर देना वही प्रोसेस। और जो आप लोग को डाउट हो रहा है टीसीएस अभी नहीं मांग रहा, तो ये सब आपका जब काउंसलिंग कंफर्म हो जाएगा, मीन्स आपका है एडमिशन, उस समय आपको लेके जाना है आपके मेन कैंपस में, अगर आपको वहाँ पर एडमिशन हो रहा है, ठीक है। उसके लिए बाद में नोटिस आएगा, बाकी ये 22 तक है, आप लोग इसका वेट करो। फीस के लिए भी ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ये सब अगर आप लोग जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू फाइनली अपलोड योर डॉक्यूमेंट। ये सब जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग दिखा रहे हो अपलोड करना चाह रहे हो, नहीं तो बाद में चेंजेस नहीं होगा, यही लिखा है इसमें। तो ये आप लोग ओके पे क्लिक कर देना एंड देन आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड करोगे तो आप लोग को ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा। देखो यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पर उसको आप लोग डाउनलोड करके रख के रहना, क्योंकि जब भी आपका काउंसलिंग हो जाएगा मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, तब आपको मतलब ये फॉर्म मतलब अगर एडमिशन होगा तो आपको ये फॉर्म जाके कैंपस में जमा करना है और आपको एक आईडी कार्ड मिलता है, मतलब आपको वहाँ पे जाकर टीसी उसी भी जमा करना पड़ता है, फिर फीस भी जमा करना पड़ता है, तो आपको ये फॉर्म रखना पड़ेगा। तो ये आप लोग फॉर्म रखे ना यहाँ से देखो क्लिक हियर टू प्रिंट करवा के, मीन्स डाउनलोड करके रखे रहो या प्रिंट करा लो। ओके, मैं बी कॉम वाले का भी दिखा दे रहा हूँ कैसा था। तो बी कॉम वाले का मैंने यहाँ पर एंड किया था सबमिट हियर टू क्लिक हियर टू अपलोड, मतलब क्लिक टू प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। तो यहाँ पर भी उनके ये देखो हमारे थे ये इनका तो मैं दिखा दिया था। ओके, इनके में देखो यही पूछ रहा है डॉक्यूमेंट में क्या पूछ रहा है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एंड देन इनकम और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे थे, तो सो दैट्स व्हाई इनके में ये पूछ रहा है। भी बीकॉम वाले का, बीकॉम वाले का ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, आपको बस अपना नेम वेम जो का चेंजेस करना था वो कर दो एंड सबमिट करके अपना ये सब लिख डॉक्यूमेंट अपलोड करो और देन सबमिट कर दो, आपको भी ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, मैं दिखा दे रहा हूँ एक मिनट। जो हमारा आय वाला सर्टिफिकेट, मीन्स आय जाती है कोई भी 2017 से पुराना नहीं होना चाहिए, ये लिखा है। एंड देन बहुत कुछ लिखा है, आपका फीस जो है वो सब उल्टा सीधा पढ़ लेना, मैं आपको इधर दिखा दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ नीचे अवेलेबल कर भी करा दूँगा, ठीक है। ये सब हमारा रहा, बाकी देखो आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आपका ख़त्म हो गया, मतलब मैंने जो बताया ये स्टेप रहेगा, प्रैक्टिकली फुल डेमो जो आपको दिया हूँ। बाकी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोग को सोच रहे हो कि मुझे मैसेज नहीं है तो क्या मेरा काउंसलिंग हो पाएगा, अगर आपका कट ऑफ के अंदर है तो आप लोग काउंसलिंग कराओ, वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करो, देखो आपका खुल रहा होगा तो आप लोग काउंसलिंग कराओ, नहीं खुल रहा है तो प्लीज़ मत कराओ, ठीक है। बाकी सबको मैसेज गया है, अगर आपका नंबर घूम गया है तो आप लोग जाके वेबसाइट पर लॉग इन करके देखो अगर आपका कट ऑफ के अंदर है तो। ओके, कोई फर्दर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो या कमेंट कर सकते हो। और काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट अगर आपका टीसी उसे भी नहीं लगा तो हाँ टीसी बाद में लगेगा, अभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खाली लग रहा है, जब आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल हो जाएगा उस समय आपका टीसी ये सब लगेगा, जो भी आपका
अदर्स और डॉक्यूमेंट रहते हैं, ठीक है। एंड और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वीडियो लंबा हो गया है सॉरी, बट पूरा डिटेल में बताया हूँ। एंड एक और था कि आप लोग डॉक्यूमेंट जब मतलब अपलोड जब भी करोगे तो प्लीज़ एकदम फुल्ली मतलब क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ताकि आपका मतलब दिखे जो भी आपका मतलब MGKVP में देखेंगे एग्जामिनर जो रहेंगे कंट्रोलर उनको समझ आया, नहीं तो आपका काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगा। जो बात बोल रहा हूँ प्लीज़ सपोज समझो और फील भी अच्छे से करो, नेम मोबाइल नंबर ये सब आगे उस पर मैसेज आएगा, नहीं तो आप लोग कैंसिल हो जाओगे, मैं पक्का बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड लाइक और कोई तो है नहीं बात, और जो भी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, और सेकेंड कट ऑफ भी आएगा, ज़रा चिंता मत करो, इससे थोड़ा लो होगा, प्लीज़ कीप काम रहो और चिल करो और काउंसलिंग करा लो, और वीडियो को शेयर कर दो, पूरा डिटेल में बताएँ, और ये PDF मैं आपको नीचे अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप लोग जाके समझ सकते हो। और ये मत करो कि पहले एक बार ट्राई कर लूँ मैं, काउंसलिंग देखूँ कैसा है कैसा नहीं, फिर बाद में वापस करूँगा। अगर आप लोग एक बार भर दोगे तो बाद में वापस चेंजेस नहीं होगा, ओके। सो बाय बाय, मैंने आपको एक डेमो दिखा दिया, ये देख लो, वापस ट्राई मत करो, बाय बाय डेमो अपने भी मत करो। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, टिल देन बाय गाइस, गुड डे और पढ़ते रहो।